नमस्कार, न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यम। एंड आई एम प्रशांत, एंड हियर आर द मेजर स्टोरीज फॉर द डे। मोदी कैबिनेट में अमित शाह को मिली एंट्री। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पूर्व नेता अधिकारी सनाउल्लाह विदेशी घोषित, भेजे गए डिटेंशन कैंप। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट तेज, एक सैनिक और नागरिक की मौत, 98 घायल। प्राइवेसी एक्टिविस्ट ओला बिनी की बेल खारिज। इसराइल में सितंबर में फिर से होंगे चुनाव। अपने पिछले कार्यकाल में हर कार्यक्रम को मेगा इवेंट में तब्दील कर देने वाले नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल में भी इस परंपरा को जारी रखा है। गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक ऐसे ही भव्य समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दूसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मंत्रिमंडल के सहयोगी के रूप में शपथ ली है। शपथ लेने वालों में पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर के अलावा अर्जुन मुंडा, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, थावर चंद्र गहलोत, अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह और बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं सहयोगी दलों में रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर, रामदास अठावले और AIDMK के रविंद्रनाथ ने भी शपथ ली है। वहीं बिहार में सहयोगी जदयू मोदी सरकार में शामिल नहीं हुई है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से एक दिन पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वो खराब सेहत के चलते नई सरकार में मंत्री पद के इच्छुक नहीं हैं। वहीं गुरुवार को शपथ ना लेने वाले प्रमुख नेताओं में सुषमा स्वराज, JP नड्डा, मेनका गांधी, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे, राज्यवर्धन सिंह राठौर, मनोज सिन्हा का नाम शामिल है। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में करीब 8,000 मेहमान शामिल हुए। पिछली बार 2014 में मोदी को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दक्षिण देशों के प्रमुख सहित 3,500 से अधिक मेहमानों की मौजूदगी में शपथ दिलाई थी। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस की जगह बिम्सटेक देशों बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट और भूटान के प्रधानमंत्री लोताए शेरिंग ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बादल इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा विमान उतारने की इजाज़त नहीं मिलने से तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए 54 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बुलाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के चलते ममता बनर्जी ने इस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शहीदों को वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। और अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। बुधवार को 53 साल के मोहम्मद सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। सनाउल्लाह 2017 तक भारतीय फौज में सूबेदार थे और जम्मू कश्मीर और मणिपुर में आतंकवादियों के साथ हुई लड़ाइयों में भी शामिल थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के नागरिकों की लिस्ट देख रहे अफसरों से कहा है कि वो जल्दबाजी करने के बजाय उचित ढंग से काम करें। लिस्ट की समय सीमा 31 जुलाई रखी गई है, जिसके बाद ये लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। 1951 के बाद NRC को पहली दफ़ा अपडेट किया जा रहा है। इसका मकसद पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आसाम में हुए गैरकानूनी प्रवास यानी माइग्रेशन का पता लगाना है। फौज में 30 साल तक काम कर चुके एक सिपाही मोहम्मद सनाउल्लाह को पुलिस द्वारा विदेशी करार दिए जाने पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, मीडिया में परेशान करने वाली खबरें चलाई जा रही हैं। मीडिया हमेशा गलत नहीं होता। रिपोर्टों से पता चल रहा है कि शिकायतों को कैसे संबोधित किया जा रहा है। कार्यवाही सही ढंग से होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के कागजात का निरीक्षण करने वाले अफसरों को ठीक ढंग से काम करने की हिदायत दी है। अब हमारी अगली खबर है जो कि दक्षिणी कश्मीर से है। सेना ने 29 मई को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम ज़िले में मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए एक डिस्ट्रॉय ऑपरेशन किया। लोग सड़कों पर उतर आए और उसका विरोध करने लगे। इस पर देखिए कश्मीर से हमारे रिपोर्टर कामरान यूसुफ की एक रिपोर्ट। In our international section, we first look at the story of privacy activist and software developer Ola Binni being denied bail yesterday. Ola Binni, who is currently undergoing a 90-day pretrial detention, was denied bail on the grounds that the prosecution had not clearly stated what the case was, and hence the amount of the bail could not be calculated. The bail hearing yesterday was marked by a lot of irregularities as well. For starters, Binni was not even produced in front of the court. This was despite the fact that his defense team had requested the same. It is unclear why the judge refused their request. The hearing was also held in private after apparently a phone rang. By delivering this verdict, what the judge effectively said that Binni was that Binni had to stay in jail for the fact that the prosecution was not able to provide any actual evidence of any actual crime or even any concrete charges. This follows a pattern of there being no clear charges against Binni from the very beginning. Ola Binni was arrested on April 11th, and his whole legal process has been marked by a lot of irregularities. Activists around the world have condemned this travesty of justice and have called for an early release of Ola Binni. In a connected story, we also look at the case of Julian Assange, whose extradition hearing was supposed to take place today. However, the hearing was postponed to June 12th after his health deteriorated sharply. Julian Assange has now been moved to the health wing of the Belmarsh prison. Assange was arrested on April 11th after Ecuador ended the asylum it had been providing him for 7 years. In our next story, we look at Israel, where fresh elections are set to be held in September after incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu failed to form a coalition after the April 9th elections. The Israeli parliament, the Knesset, has 120 members, and
Netanyahu needed a majority of 61 to form this government. In order to do so, he had to ally with his former defense minister, Avigdor Lieberman, whose party has 5 seats. However, these two parties disagreed on a law which would have made it mandatory for certain Orthodox Jewish communities to serve in the military. Netanyahu was worried that if this law was passed, some of his other Orthodox Jewish allies would desert him and he would lose his government, whereas Lieberman was very keen that this law be passed. For Palestinians who suffer the brunt of Israeli atrocities, these disagreements between the parties don't really make any difference, as all of them are united in the understanding that there must be more violence on Palestinians. On the one hand, Benjamin Netanyahu campaigned calling for more annexations of the West Bank into Israel. On the other hand, Lieberman has been known for advocating a very harsh stance on Hamas. Incidentally, both these positions might be included as part of Donald Trump's deal of the century, which is going to be announced soon. Staying in government was also very important for Netanyahu, as he is facing major corruption charges. Some of his supporters are planning to introduce immunity laws in the Knesset, which would prevent him from being prosecuted as long as he's in power. The elections in September will thus determine the future of Netanyahu too. That's all we have in the international section. Meanwhile, the ICC World Cup kicked off today in England, with the hosts facing South Africa in the 45-day tournament. Newsclick's cricket correspondent, R.K. Kaushik, will be on the ground, providing the latest details. We're also introducing a new show, 5.75 ounces, which will bring out the nuances and the most interesting facts about the game. So stay tuned for that. आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट newsclick.in और हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।